ओके तो यार आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस एंड। यार जब भी हमें इतने ज़्यादा बंदे उतरते हुए दिखते हैं ना, तो अपन पैराशूट करते समय बांट लेते कि भाई ये जो बीच वाले बंदे उतरेंगे ना, जो भी बीच में उतरेंगे वो मेरे होंगे, और बाकी वाले बंदे जो अपना अपना साइड पकड़ लेते हैं, जैसे कि मेरे सारे दोस्त हैं। फिलहाल यहाँ पे ना मेरे को गन तो मिली नहीं थी इतनी जल्दी, लेजेंड को मिल गई, उसने मेरी लॉबी के बंदों को मारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो मेरे एरिया में उतरे थे। लेकिन फिर भी मैं कम नहीं था, मैं फारूफ के एरिया में घुस गया और देखो कैसे बढ़ते वहाँ जाकर। मेरे को यहाँ पे जो है अर्ली गन ही मिल गई थी, और वेस्ट वुश तो मेरे पे थी नहीं, और वैसे भी इतनी अर्ली में किसी को भी वेस्ट नहीं मिलती है। सो देखो यहाँ पे लक कैसा था तुम्हारे भाई का। यहाँ पे मैं लगभग लगभग तीन बंदों को ले डूबा, और इसका टीममेट आ रहा था, और इसको आप कह सकते हो भाई 1v4 क्लच। और इस जिस आखिरी बंदे को मैंने मारा था ना, उसका नाम भी 1v4 था। यार यहाँ पे जो है 4 किल तो मेरे को अर्ली में मिल गए थे, और यहाँ पे मेरा काम भी पूरा हो गया था। खैर मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी लूट कर लेते हैं यार, वेस्ट वेस्ट भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब आगे जाके तो वेस्ट चाहिए रहेगी ना, बाकियों को तो मिल गई होगी, फिर मेरा ही घाटा होगा यहाँ पे। सो अब मैं लेजेंड वाले एरिया में गया, और वहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इस बंदे को फिनिश करूंगा, क्योंकि अगर इसको फिनिश नहीं किया तो ये रिवाइव हो जाएगा। सो मैंने इसको सबसे पहले फिनिश किया, क्योंकि अपने टीममेट के पास जा रहा था, जहाँ पे मेरे टीममेट लड़ रहे थे। अगर ये वहाँ पे पहुँच जाता तो भाई कुछ इंटरफेयर जरूर करता। अब यहाँ पे लेजेंड अकेला था वहाँ पे, और उसका काम तमाम हो जाता है। ये जो VSS वाला ये उसको मार देता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने इसको वार्निंग दी थी एक्चुअली कि भाई तू अभी मत लड़, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हूँ, और कभी कभी जो है ऐसी वार्निंग सुननी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि भाई ना अब ये हो सकता है कि मेरा टीममेट मारा जाए। सो कभी कभी ऐसा फीलिंग आ जाता है अंदर से। सो मैंने उसको बोल दिया था, बट उसने सुना नहीं, तो वो वहाँ पे फिनिश हो गया। दो ही बंदे बचे थे, मैं और डीको, और डीको तो यहाँ पे देखो बाल बाल बच गया यार। दोनों को फिनिश कर देता हूँ, मेरी HP भी देख सकते हो कितनी है। सो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर मैं यहाँ पे फारूक को बचा पाऊंगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ यार वीडियो को अभी कभी पॉज करके, क्योंकि मेरे पास हीलिंग नहीं है और सामने से पूरी टीम मेरे ऊपर रश कर रही है। खैर कैसे तैसे करके मैं यहाँ छुप छुपा के मैंने फारूक को बचा लिया। अब बारी थी इस टीम को ख़त्म करने की। मैं फ्लैंक करता हूँ काफ़ी पीछे से, और मैं थोड़ा सा फारूक को बोला कि तू पहले चला जा, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना रहे, दोनों एक साथ में जाएंगे तो भाई फिर से कोई ना कोई स्प्रे में तो आ ही जाएगा। सो एक एक करके गए, और अब देखो कैसे भरते हैं इनको। एक बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा था, देखो क्या करते उसके साथ। इस बंदे को फिनिश किया। अब मेरे को अगेन मैंने फारूक को वार्निंग दी थी कि भाई मेरे बिना मत लड़ना, जहां पे मैं आऊंगा तभी फाइट करना, मतलब ऐसा हो सकता है कि फिनिश हो जाए तू, और जैसे कि तुम्हारे भाई ने बोला था। फारूक जो है घुस जाता वहां पे, जो कि मेरे को लग ही रहा था, और देखो क्या होता है। इसीलिए कहते हैं भाई बात सुन लिया करो, और यहाँ पे वही होता है, फारूक को वो वाला बंदा जो है फिनिश कर देता है पूरा का पूरा, और यहाँ पे जो है कुल मिला के बाल बाल बच जाता हूँ मैं। मेरे सारे टीममेट खत्म हो गए थे यार, और पोचिंग की में ना ऐसा ही होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे, अगर मतलब ज़्यादातर बार मैं ही ऐसे सर्वाइव करके निकलता हूँ, तो हम अब भाई साहब कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेलता हूँ जब देखो, मतलब पोचिंग की उतरूँगा अगर वो ड्रॉप वहाँ पे काम कर रहा हो तो। फिलहाल यहाँ से निकले हम, पहुँच गए सीधा अपार्टमेंट की साइड, क्योंकि अपार्टमेंट में बंदे थे और वो फायर करते, तो मैं अपनी बाइक मोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या कन्फ्यूजन होती है। आज मैं आपको टोटली ऐसे गेम प्ले दिखाऊंगा जहाँ पे मेरी किस्मत काफ़ी ख़राब रहती है, लिटरली बहुत ख़राब। मैंने बाइक यहाँ पे उठाई है, दीवार के साथ लग गई, और बंदा कूदा पीछे से। एक पल के लिए जब बाइक दीवार के साथ टकरा के वापस आई, मेरे को लगा कि बंदा कूदा है। मैंने उस तरफ थोड़ा सा मैं मतलब कन्फ्यूजन हो गई थी वहाँ पे, और उस बंदे ने मेरे को काफ़ी जल्दी मार दिया वहाँ पे। खैर मेरे को टाइम नहीं मिला उतना, बट आप मेरी जैसी गलती मत करना, आप ट्राई कर सकते हो 1xBet, जहाँ पे जो है आप प्रेडिक्शन कर सकते हो जो कि IPL में आपको करनी है, और अपनी फेवरेट रीजनल टीम के ऊपर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर आप सही प्रेडिक्ट करते हो तो भाई आप कैश अमाउंट जीत सकते हो, जिसका आप पेटीएम पे विड्रॉ कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आपको 1xBet का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। वैसे मैंने प्रेडिक्शन किया था CSK पे, पर वो हार गई, जिसका कि भाई बहुत ही दुख हुआ मेरे को, बट आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हो अपनी फेवरेट टीम पे। अब फिलहाल यहाँ पे दो टीमें उतरी थी, यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो फिनिश कर दिया, और दूसरे को मारना था, लेकिन उस बंदे के पास कोई भी गन नहीं थी। मैंने इसके टीममेट को फिनिश कर दिया, और इसके पास जो गन थी उसको भी मैं ले लेता हूँ। खैर वो सामने वाले घर में घुस गया था, हो सकता है उसको वहाँ पे गन मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको वहाँ पे गन ना मिले, तो मेरे लिए काफ़ी जीती है। सो मैं अब इस घर के अंदर जाने वाला था, क्योंकि बंदा इसी के अंदर था, और आई थिंक उसको गन नहीं मिली थी, क्योंकि वो यहाँ से भाग नहीं रहा था, वो फंस गया था यहाँ पे और कुछ कर भी नहीं सकता था। सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब घुसना ही पड़ेगा, वो नीचे जरूर कूदेगा, क्योंकि उसके पास गन नहीं है।
मैंने उसको डैमेज तो दिया, हेड दिया उसको, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो नीचे कूद गया था इतनी देर में। और उसके पास वाकई में गन नहीं थी, देखो भाग रहा हो कैसे, यहाँ से मैंने उसको देख लिया था। और अब वो वाकई में बचने नहीं वाला क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है उस बंदे की, और मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन अब बाकी के बचे हुए एक और टीम थी जिसके कि दो बंदे थे और वो मेरे पर नज़र रख रहे थे, मैं भी उन पर नज़र रख रहा था, लेकिन तभी मेरे को दिखता ओपन में आते हुए। मैंने इस बंदे को फिनिश करने की ट्राई करी लेकिन ये कवर में चला जाता है। और अब देखो इसके टीममेट को कैसे बुलाते हैं, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता था, मेरे को पता था ये दोनों मिल के रश करेंगे मेरे ऊपर, जो कि इन्होंने करने की ट्राई भी करी। देखो एक आया दूसरा पेड़ के पीछे और वो भी आएगा, इससे पहले कि वो आए मैं नीचे कूदता हूँ, वेट करता हूँ उसके आने का और देखो क्या होता है। ये दो बंदे जो है उतने मूर्ख नहीं थे जितने पिछले वाले बंदे थे, खैर मूर्ख तो वो भी नहीं थे क्योंकि उनके पास एक्चुअली गन थी जिसका मैंने फ़ायदा उठाया, बट ये बंदे थोड़े स्मार्ट थे, बट इतने भी नहीं। एक को मैंने नॉक किया विदाउट एनी गेटिंग। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे इसके बंदे को मारता हूँ, इसका बंदा सही खेला था बहुत, उसने बहुत कोशिश करी कि उसका टीममेट कुल मेरा कि उसका टीममेट फिनिश नहीं होना चाहिए, उसने इस चीज़ की बहुत कोशिश करी, मतलब फिर भी मैं घुस ही गया, मतलब मैंने भी पूरी कोशिश करी उसके बंदे को मारने की। और बंदे को तो उसके मर उसके जिंदा रहने तक तो उसके बंदे को मैं नहीं मार पाया, देखो उसको मारने के बाद ही उसका बंदा मरा है, तो बंदे ने देखो पूरी कोशिश करी है, मतलब जब तक वो जिंदा था तब तक उसके बंदे को मैं हाथ भी नहीं लगा सका। खैर ऐसे ही टीममेट बहुत कम होते हैं। खैर अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, मैं यहाँ से जाने वाला था लेकिन पीछे से ऑलरेडी फाइट चल रही थी, तो मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ पे देखने के लिए कि बंदे हैं कहाँ पे। एक दो चक्कर लगाए मैंने तब जाके पता चला कि फायरिंग इस घर से हो रही थी, और बंदा जो है देखो मेरे पे कहीं पे दूर से VSS फायर हुई और मैं समझ गया भाई दो बंदे यहाँ पे भी, तो मैंने इसको ऐसे जैसे मतलब नॉक कर दिया। और अब पता लगाना था कि इसका बंदा कहाँ से फायर कर रहा था क्योंकि VSS फायर हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं से तो वो मार ही रहा है और मेरे काफ़ी क्लोज भी है। सो मैंने क्या किया, एक चाल चली यहाँ पे, मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, अपने टीममेट के पास जाएगा, ऑब्वियसली टीममेट के पास जाएगा, और इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने इसको बोला भाई जा तेरे को फिनिश नहीं करूँगा, वादा करता हूँ, और मैंने अपना वादा निभाया भी, इस बंदे को फिनिश नहीं किया बस। बट इसके टीममेट को तो नहीं छोड़ना है क्योंकि वादा इससे किया, इसके टीममेट से नहीं किया, उसको तो मार ही सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा भाई, मैंने वादा किया था इस बंदे से कि जा भाई तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे टीममेट को जरूर मारूंगा, उसके टीममेट को मारा और वो खुद ही फिनिश हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भी गेम काफ़ी बढ़िया चला था, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई कुछ कुछ गेम प्लेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है आप अनलकी रहते हो, ये गेम प्ले उनमें से एक था। यहाँ पे ड्रॉप लूटने आया और मैंने सोचा यार रिफिलिंग भी कर लेते हैं लगे हाथों, और ड्रॉप पे रिफिलिंग कौन करता है यार, पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आई। खैर मैंने सोचा रिफिलिंग करते हैं, रिफिलिंग करने वाला था कि एक गाड़ी आ जाती है, मैंने यहाँ पे झाड़ी का फ़ायदा उठाया, मैं आराम से क्रॉस कर गया झाड़ी के अंदर से, उसको पता भी नहीं चला और वो मेरी गाड़ी वजह से टकराया, मैंने बंदे को फिनिश कर दिया। मैंने बोला चलो ठीक है अब रिफिलिंग करते हैं, फिर से मैंने रिफिलिंग स्टार्ट कर दी, फिर से फायरिंग स्टार्ट होती है। मैं समझ गया भाई सामने वाला जो घर है वहाँ से पड़ रही है, मैं देख नहीं गया उन घरों में, उन घरों में कोई भी नहीं था। मैं यहाँ पे आया दूसरे ड्रॉप पे, दूसरे ड्रॉप पे मेरे को एक बग्गी दिखती है, चुपचाप लूट रहा था वो बंदा, मैं यहाँ पे उतरा दूर, मैंने बोला कोई बात नहीं आराम से मारेंगे इस बंदे को। उस बंदे को एक हेड पड़ा, दो बॉडी पड़ी, लेकिन भाई देखो हेड पड़ने से ना उसको उतना डैमेज नहीं मिला, लेकिन जो बॉडी पड़ी थी ना उससे डैमेज जरूर मिला होगा उतना, क्योंकि उसके पास लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट उसने चेंज कर ली थी जो कि पूरी तरीके से मैंने डैमेज कर दी थी, लेकिन भाग गया वो बंदा। वो कहीं पोचिंग की में आया, पोचिंग की में आते ही देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को बंदा स्पॉट हुआ, मैं बीच रास्ते में उतर गया। और यार यहाँ पे मैं बहुत ही तगड़े वाला सैंडविच हो गया, मेरे को जैसे बंदा देखा गाड़ी रोकी मैंने, लेकिन एक बंदे ने ऊपर से फायर किया, दूसरे बंदे ने राइट साइड से, और भाई बीच में जो है एक हिसाब से कह सकते हो सैंडविच बुरी तरीके से बन गया मेरा। यार मैं तो ये वाले मैच में मारा गया बहुत अनलकी था, लेकिन आपको जाते जाते एक चीज़ जरूर सिखाते जाऊँगा, जब भी आप मतलब थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस होते हो ना, तो कभी भी मतलब ऐसा सामने वाले को चांस नहीं देने का, कुल मिला के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का। मैं यहाँ पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि उतरूंगा और उस ऊपर वाले बंदे को मार दूंगा, जो कि मैं मार भी देता ओब्वियसली अगर वो राइट वाला बंदा नहीं होता, क्योंकि उसने मेरा ध्यान खींच लिया और ऊपर वाले बंदे ने इतनी देर में पीछे से डैमेज दे दिया मेरे को, जो कि बहुत ही खराब इंसिडेंट था मेरे लिए। खैर बस यार यही तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा, और इसके अलावा जो है 1xBet को भी ट्राई करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साइनअप करते समय मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे तो जो भी आप वहाँ पर डिपॉजिट करोगे वो डबल हो जाएगा, जिसको आप प्रेडिक्शन भी यूज़ कर सकते हो, और प्रेडिक्शन भी काफ़ी सिंपल हो गया यार, मतलब IPL में प्रेडिक्शन करना आपको, सो ट्राई करना, एंड इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई को फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।